नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत। आज की सुर्खियां खबर। महाराष्ट्र के अस्पताल में एक दिन में 12 नवजात समेत 24 मरीजों की मौत। न्यूज क्लिक छापे और यूएपीए मामले के बीच प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पत्रकारों के साथ एकजुटता व्यक्त। फिलहाल हम कुछ नहीं कहेंगे। जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट, अब 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। सदस्यों से मुलाकात। आसनसोल रानीगंज दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय में 12 पूजा समिति की। मैथान और पंचायत जलाशयों से पानी छोड़ना दूसरे दिन भी जारी रहा। चार कैया भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा दूसरे दिन भी मैथन और पंचायत जलाशयों से पानी छोड़ना जारी रहा। हालांकि मैथन जलाशय से छोड़े गए पानी की मात्रा कम हो गई है, लेकिन पंचायत जलाशय से छोड़े गए पानी की मात्रा बढ़ गई है। इस दिन पंचायत जलाशय से छोड़े गए पानी की मात्रा 75,000 क्यूसेक बताई जा रही है। वहीं मैथन जलाशय से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा घटाकर 35,000 क्यूसेक कर दी गई है। DVC की ओर से जारी अधिसूचना से पता चला है कि DVC ने ऊपरी घाटी में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण 2 जलाशयों से पानी छोड़ने का फैसला किया है। दामोदर और बराकर नदियों के साथ साथ झारखंड राज्य और बंगाल सीमा पर भी हालांकि लगातार 2 दिनों तक इतनी बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से दामोदर की निचली घाटी के कुछ इलाकों में बाढ़ की आशंका है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, all varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341-222-1590. Rainbow Big Shop. दुर्गापुर में STF का छापा, डिनर सेट में तस्करी, 50 लाख का कफ सिरप। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। राज्य STF ने पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर के गांधी मोड़ पर दबिश डालकर एक ट्रक से बड़ी मात्रा में फेंसिडिल सिरप जब्त किया। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य STF के सूत्रों ने कहा कि डिनर सेट राजस्थान के जयपुर से ट्रक में लोड किया गया था। डिनर सेट के अंदर फेंसिडिल सिरप के बोतल छिपाए गए थे। राज्य STF ने दुर्गापुर में गांधी मोड़ के रास्ते में ट्रक को रोक लिया और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। लगभग 75 बोरी फेंसिडिल सिरप बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है। राज्य STF सूत्रों के मुताबिक ट्रक के डिनर सेट में उत्तर प्रदेश से फेंसिडिल सिरप की बोरियाँ लादी गई थी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल, 713301। प्रोडक्ट्स आर बायोटिक, गार्नियर, एवर यूथ, निविया, सहनाज, मैमथ, O3 प्रोफेशनल, लोटस प्रोफेशनल, पतंजलि, जॉबिस, नेचर्स, मेंस ग्लो, प्लम, एम कैफिन, VLCC, गुड वाइब्स, ओला, फेम, ऑग्रेलिक, राजा, सुगर, लैक्मे, वेबलिन, लोटस कलर, पॉन्ड्स, सिल्क, मैट्रिक्स, लोरियल, बेला एट्सेट्रा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9126767709। सदस्यों से मुलाकात। आसनसोल रानीगंज दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय में 12 पूजा समिति की। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। रानीगंज से संजीवन गुप्त के अनुसार दुर्गा पूजा और कुछ दिन क्या इसलिए पिछले वर्षों की तरह आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय की ओर से दुर्गा पूजा अवधि के दौरान पूजा के सुचारू संचालन के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के रानीगंज पुलिस स्टेशन की पुलिस ने सदस्यों के साथ एक बैठक की। रानीगंज की 112 पूजा समितियों में से सोमवार को रानीगंज के पंजाबी मोड़ स्थित एक गैर सरकारी संस्था के बैठक
कक्ष में पूजा समिति को दुर्गा पूजा के दौरान पूजा के नियम कायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस विशेष बैठक में पुलिस प्रशासन के साथ साथ इस कार्यक्रम में रानीगंज थाना पुलिस ट्रैफिक गार्ड के अधिकारी भी मौजूद थे। इसी तरह रानीगंज अग्निमिशन विभाग, बिजली विभाग, रानीगंज चेयरमैन सहित विभिन्न वार्डों के वार्ड पार्षद मौजूद दिख रहे हैं। व्यापारी संगठनों के सदस्य मौजूद। रानीगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुदीप दास गुप्ता और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एएसपी सेंट्रल 2 सीमंत बनर्जी ने सभी पूजा समिति आयोजकों को सूचित किया कि लाइसेंस प्राप्त पूजा नियमों के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इसे प्राप्त करेंगे, लेकिन जिन्हें अभी तक नहीं मिला है पूजा समिति की मंजूरी के लिए पूजा आयोजित करने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9563402888 and 8918940868। मंडल द्वारा महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एजुकेशनल हब द्वारा। महात्मा गांधी की जयंती पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में धूमधाम से मनाई गई। श्री चेतनानंद सिंह मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल एवं आसनसोल मंडल के मंडल शाखा अधिकारियों, बड़ी संख्या में रेल कर्मियों और रोटरी आसनसोल डिस्ट्रिक्ट के सदस्यों की उपस्थिति में आसनसोल स्टेशन के बापू भक्ति चित्र के पास गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल श्री चेतनानंद सिंह ने चितरंजन स्टेशन पर गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपने भाषण में मंडल रेल प्रबंधक ने रेल कर्मियों से गांधी जी के नैतिक मूल्यों को अपनाने पर बल दिया और हमें सिखाने का प्रयास किया, और साथ ही कहा कि जहाँ तक संभव हो इस नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद स्थानीय कलाकारों के एक समूह द्वारा रामधुन गाया गया। आगे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के स्वयं सेवकों ने एक लघु संस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आसनसोल ने एक प्रेरक गीत भी प्रस्तुत किया। श्री चेतनानंद सिंह मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने मंडल शाखा अधिकारियों के साथ 3 रेलवे स्कूलों अर्थात ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल आसनसोल, ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल अंडाल और ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आसनसोल में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के 42 विजेताओं के पुरस्कार प्रदान किया। और साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा जो 16 सितंबर 2023 को शुरू होकर आज 2 10 2023 को समाप्त हुआ के दौरान सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए 7 मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और स्टेशन प्रबंधक चित्ररंजन स्टेशन को भी पुरस्कृत किया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। फिलहाल हम कुछ नहीं कहेंगे। जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट अब 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। समाचार का यह भाग प्रायोजित एसके इन्फोकॉम द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के का मामला उठा। राज्य सरकार की ओर से आंकड़े जारी करने पर याचिकाकर्ता ने आज सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को उठाया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अभी मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। 6 अक्टूबर को मामला सुनवाई के लिए लगा है, उसी समय सुनेंगे यह याचिका। गैर सरकारी संगठनों यूथ फॉर इक्वेलिटी और एक सोच एक प्रयास की है। पहले सुनवाई में बिहार सरकार ने डेटा सार्वजनिक नहीं करने का आश्वासन दिया था, इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने रोक का आदेश नहीं दिया था, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से डेटा रिलीज करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बता दें कि कल बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए थे। इसमें बताया गया कि राज्य में किसी जाति
और धर्म की आबादी की कितनी संख्या है? आंकड़ों के मुताबिक राज्य की जनसंख्या 13 करोड़ से ज़्यादा है। कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग CECB की हिस्सेदारी 63% है। सामाजिक वर्ग EBC की आबादी 36% और OBC की 27.13% है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. महिला आरक्षण विश्वकर्म योजना ऐतिहासिक कदम। समाचार का यह भाग प्रायोजित साइन एकेडमी द्वारा। भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शंकर चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से पूरे भारत में विश्वकर्मा परियोजना लागू की गई है। इसके जरिए बढ़ई, कुम्हार, नई आदि पेशवारों की यंत्रों के सहारे और हाथों के हुनर से अपनी जीविका अर्जित करते हैं। इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 10 दिनों की एडवांस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। इसके साथ प्रतिदिन उनको 500 भत्ता मिलेगा। सर्टिफिकेट और 15,000 उपकरण खरीदने के लिए दिया जाएगा। इसके साथ कम ब्याज पर ऋण भी दिया जाएगा। उक्त बातें OBC मोर्चा राज्य प्रवक्ता ने आसनसोल GT रोड भाजपा कार्यालय में कही। उन्होंने महिला आरक्षण बिल की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में जो महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, इसमें आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी कारगर कदम उठ सकेंगे। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं हैं, फिलहाल 78 महिला सांसद हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। जलाशय से एक अज्ञात व्यक्ति का छत विछत शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर आसनसोल GT रोड पर भुकनिया पेट्रोल पंप के सामने जलाशय से एक अज्ञात व्यक्ति का छत विछत शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद नियामतपुर फाड़ी पुलिस और दमकल कर्मियों ने शव को बरामद कर आसनसोल जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नियामतपुर के सड़क के पास ही कैसे यह भक्ति इस पर जलाशय में गिर गया, या किसी ने इसे मार कर फेंक दिया है, या फिर इसके पीछे क्या राज है, यह पूरी घटना की नियामतपुर फाड़ी पुलिस जांच कर रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। सड़क मरम्मत की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जामुरिया से रानीशहर होते हुए रानीगंज और चंदा से आसनसोल मार्ग पर सभी मिनी बसों को रोक दिया। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। जामुरिया में खराब सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर मिनी बस कर्मियों ने जामुरिया से रानीशहर से रानीगंज और जामुरिया से चंदा वाया आसनसोल मार्ग पर चलने वाली सभी मिनी बसों का परिचालन बंद कर दिया। बस सेवा बंद होने से इस रूट पर चलने वाले यात्रियों की परेशानी उठानी पड़ रही है। सुबह से ही सभी मिनी बस चालकों ने परिचालन बंद कर दिया और जामुरिया रानीसाई होते हुए रानीगंज जाने वाली मुख्य सड़क के 6 नंबर वार्ड के जादू डांगा मोड़ के पास सड़क पर बस खड़ी का विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बस कर्मी और स्थानीय निवासी शामिल थे। बस चालकों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि जामुरिया से रानीशहर और चंदा तक सड़क की हालत इतनी खराब है, जिसके कारण आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो तालाब बन गए हैं। भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ तक कि सड़क पर दिया गया सारा
कोलतार पिच भी उखड़ गया है और बड़े बड़े पत्थर निकल आए हैं। पिछले 6 माह से जामुड़िया सड़क की स्थिति काफ़ी खराब होने के कारण बार बार प्रशासन की सूचित करने के बावजूद जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को कोई लाभ नहीं मिला है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय डीके लाल सर यादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। कॉल नाउ 9828224975। व्हाट टू बी अ डॉक्टर होल्ड द हैंड्स ऑफ एन एक्सपर्ट। रेगुलर क्लासेस 11-12 ऋषि अरविंद नगर बिरला रोड कुलटी पश्चिम बर्धवान वेस्ट बंगाल। न्यूजी क्लिक छापे और यूएपीए मामले के बीच प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पत्रकारों के साथ एकजुटता व्यक्त। दिल्ली पुलिस की तलाशी समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके पत्रकारों से जुड़े परिसरों में चल रही है। 17 अगस्त के को दर्ज एक मामले में निहित जांच में गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम भारतीय दंड संहिता की धारा 153A जैसे कड़े कानूनी प्रावधान शामिल है जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने को संबोधित करते हैं और IPC की धारा 120 भी आपराधिक साजिश से संबंधित है। सूत्रों के मुताबिक UAPA के तहत एक ताजा मामला दर्ज किया गया है। इस घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसमें शामिल पत्रकारों के प्रति अपनी चिंता और एकजुटता व्यक्त की। PCI ने एक ट्वीट में कहा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और लेखकों के घरों पर की गई कई छापेमारी से बेहद चिंतित है। इसने आगे कहा कि वह जल्द ही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर एक विस्तृत बयान जारी करेगा और सरकार से अधिक जानकारी प्राप्त करने का आग्रह करते हुए पत्रकारों के साथ अपनी एकजुटता पर जोर दे दिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830. महाराष्ट्र के अस्पताल में एक दिन में 12 नवजात समेत 24 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटों में 12 नवजात शिशुओं और इतने ही वयस्कों की मौत हो गई। अस्पताल के डीन ने इसके लिए दवाओं और अस्पताल के कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया। नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल के डीन ने कहा कि 24 मौतों में से 12 वयस्क विभिन्न बीमारियों ज़्यादातर सांप के काटने से पीड़ित थे। उन्होंने कहा, पिछले 24 घंटों में 6 पुरुषों और 6 मादा शिशुओं की मौत हो गई। 12 वयस्कों की भी विभिन्न बीमारियों के कारण मौत हो गई जिनमें से ज़्यादातर सांप के काटने से थे। विभिन्न कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण हमें कुछ कठिनाइयां का सामना करना पड़ा। इसमें 12 वयस्क मरीज 5 पुरुष और 7 महिलाएं और 12 बच्चे थे। वयस्कों में 4 हृदय रोग से पीड़ित थे, 1 विषाक्तता से, 1 गैस्ट्रिक रोग से, 2 गुर्दे की बीमारियों से, 1 प्रस्तुति संबंधी जटिलताओं से और 3 दुर्घटना के शिकार थे। बच्चों में से अंतिम चरण के 4 बच्चों को निजी अस्पताल से रेफर किया गया था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब अंत में समय है मोमेंट का एसएमएस का। इफ मोस्ट ऑफ अस रिमेन इग्नोरेंट ऑफ आवर स्लीप्स इट इज बिकॉज सेल्फ नॉलेज इज पेनफुल एंड वी प्रेफर द प्लेजर्स ऑफ इल्यूशन। यदि हम में से अधिकांश लोग स्वयं से अनभिज्ञ रहते हैं तो इसका कारण यह है कि आत्मज्ञान कष्टदायक होता है और हम भ्रम के सुखों को पसंद करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।